प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के इतिहास विषय के अंतर्गत तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना में आज इस वीडियो में आप 19वीं शताब्दी अर्थात 1815 से 1914 तक का इतिहास तथा विश्व अर्थव्यवस्था का उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक का इतिहास। 19वीं सदी दुनिया के सभी देशों के सामाजिक परिवर्तन की सदी कही जा सकती है, क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने संपूर्ण समाजों की कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के तीन प्रकार की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इसमें प्रथम प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी के प्रमुख रूप से वस्तुओं जैसे वस्त्र और गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। द्वितीय प्रवाह श्रम का होता है, इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तृतीय प्रवाह पूंजी अर्थात धन का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वर्णित तीनों ही प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के मध्य उपस्थित संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए, वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः अधिक शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सर्वप्रथम औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते प्रतिरूप पर विचार करें तो अच्छा होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करते रहे हैं, परंतु 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात भिन्न थी। अगर उस समय खाद्य आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ही गिर जाता और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाता। इस आशंका के पीछे क्या कारण थे? 18वीं सदी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही थी, परिणाम स्वरूप देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहरी क्षेत्र फैले और उद्योग धंधे बढ़ने लगे, वैसे वैसे कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। इसी कारण कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ भूस्वामियों, बड़े भूस्वामियों अर्थात जमींदार के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों की सहायता से सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी, उन्हें कार्न ला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कार्न ला। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से ग्रस्त उद्योगपतियों और शहरी समुदायों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि यह कार्न ला को तुरंत समाप्त कर दी।
कारण ला के निरस्त हो जाने के बाद खाद्य पदार्थों का आयात बहुत कम कीमत पर किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, इसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव को छोड़कर वे या तो शहरी क्षेत्रों में या दूसरे देशों में जाने लगे थे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति तीव्र गति से बढ़ी, जिससे नागरिकों की आय में बढ़ोतरी हुई। इससे उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ीं। खाद्य पदार्थों का और भी अधिक मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के प्रत्येक भाग में ब्रिटेन का पेट अर्थात पूर्ति भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। कृषि के लिए जमीन को साफ करने के अतिरिक्त खेतिहर क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे व सड़कों के मार्ग बहुत ही आवश्यक थे, जिनसे कच्चे माल का निर्यात हो सके। अधिक तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना आवश्यक था। नई जमीनों पर कृषि करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे क्षेत्रों के नागरिक वहां आकर बसें, यानी नए घर और नई बस्तियां बसाना भी आवश्यक था। इन सभी कार्यों के लिए पूंजी व श्रम की आवश्यकता थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहां मजदूरों को ले जाकर बसाया जाने लगा, जिसके कारण श्रम का प्रवाह तीव्र गति से होने लगा। सन 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अपना स्वरूप स्थापित कर चुकी थी। इस घटनाक्रम के बाद ही श्रम विस्थापन, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में आंतरिक परिवर्तन आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बों से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों में स्वयं कार्य करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ उत्पन्न नहीं कर रहे थे, अब यह कार्य ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतया हाल ही में आए थे और ऐसे खेतों में कार्य कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतया ठेठ जंगल रहे हों। खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए रेलवे मार्गों का प्रयोग किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी कार्य के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाजों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूहों के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर कार्य कराया जाता था। बहुत से नाटकीय परिवर्तन भारतीय कृषि में हुए, चाहे वे छोटे पैमाने पर थे, परंतु उनका प्रभाव बहुत ही दूरगामी रहा। जैसे कि पंजाब में हुआ, यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तान परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए पानी की नहरों का जाल बिछा दिया।
जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों के नागरिकों को लाकर बसाया गया था। उनकी बस्तियों को नहर बस्ती कहा जाता था। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था में भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की है, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, जिससे ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग की पूर्ति को की जा सके। रबड़ की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि सन 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना बढ़ोतरी हो चुकी थी। लगभग 60% भाग प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपनी भाषा में लिखकर इसे होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।